13.8 अरब साल पहले कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। द बिग बैंग, वह मोमेंट जब स्पेस और समय का जन्म हुआ। निरंतर विस्तार करने वाले अस्तित्व की शुरुआत, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। हम सब जो कुछ भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं, वह यूनिवर्स है। छोटे कणों से लेकर बड़े आकाश गंगाओं से लेकर स्पेस टाइम, ऊर्जा और जीवन के अस्तित्व तक, यूनिवर्स की शुरुआत हर चीज की शुरुआत है। एक तरह से हम यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम अज्ञात में झांकते हैं और उन चमत्कारों को ऑब्जर्व करते हैं जो उन्हें पेश करने हैं, हम पृथ्वी से असाधारण चीज़ों की खोज करने में सक्षम हैं। लेकिन अब हमें अपने नीले ग्रह को छोड़ना चाहिए और यूनिवर्स की सबसे दूर तक पहुंच का पता लगाना चाहिए। हमारी यात्रा घर से शुरू होती है। पृथ्वी दुनिया के किसी भी दूसरे के उलट नॉन यूनिवर्स में एकमात्र जगह जहाँ जीवन की मेजबानी की पुष्टि हुई। इसकी गतिशील सतह पर लाखों अलग अलग प्रजातियाँ मौजूद है, लेकिन इंसानों की तरह इसके लैंडस्केप को किसी ने नहीं बदला है। इस व्यू से मानवीय गतिविधियों को देखना आसान है। हमारी इमारतें, सड़कें और खेती के खेत आने वाले हजारों वर्षों में नहीं तो सैकड़ों वर्षों तक हमारे अस्तित्व का प्रमाण बने रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊंचे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमने बनाया है, धुंधला होने लगता है। यहाँ से ये देखना कठिन होगा कि हम कभी अस्तित्व में थे। हमारा पूरा इतिहास एक सिंगल नीले संगमरमर में खोजा जा सकता है। ये वह जगह है जहाँ अरबों लोग रहते हैं और मरते हैं, और जहाँ कई और अरब पैदा होंगे। ये वो दुनिया है जहाँ ये सब हमारे लिए शुरू होगा, मानवता का पालना। लेकिन अब हमें ये सब पीछे छोड़ देना चाहिए और किसी भी मनुष्य द्वारा पहले की गई यात्रा से कहीं आगे की यात्रा करनी चाहिए। सबसे पहले हम चंद्रमा, हमारे निकटतम पड़ोसी और एकमात्र अन्य स्थान से गुजरेंगे जहाँ से हम पृथ्वी से अलग चले हैं। फिर हम प्लेनेट के ऑर्बिट को पार करेंगे, क्योंकि हम उस खालीपन की ओर बढ़ते हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस है, जो सितारों के बीच का एरिया है। हमारा शानदार सितारा जो हमारे समुद्रों को गर्म करता है, हमारे वातावरण को हिलाता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने वाले बढ़ते हरे पौधों को ऊर्जा देता है, धीरे धीरे अरबों में से एक बन जाता है। हमारे नाइट स्काई में इतने सारे परिचित तारे अब पृथ्वी के वायुमंडल से अनअफेक्टेड देखे जा सकते हैं, एक काले कैनवस पर रंगीन चमकीले पिन प्रिक्स की तरह। यह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा कोना है। उनमें से कुछ तारों के अपने स्वयं के प्लैनेट्स हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए सही स्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास इन विदेशी दुनिया को रोकने और तलाशने का कोई समय नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और मिल्की वे अकल्पनीय रूप से विशाल है। सैकड़ों अरब सितारों, ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ साथ गैस और धूल के विशाल बादल 1,00,000 लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैले हुए हैं और गैलेक्सी के बहुत ही केंद्रों में उस चमकीले उभार के भीतर गहरे छिपे हुए हैं। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब हम गैलेक्सी के विशाल पैमाने को देख सकते हैं, जिसे हम घर कहते हैं, और मानो यह हमारे लिए अकल्पनीय रूप से बड़ा है। ये केवल गैलेक्सी के एक महासागर के भीतर एक छोटी बूंद है जो पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। इनमें से प्रत्येक ब्राइट पॉइंट एक अन्य गैलेक्सी है, जो गैस और धूल के बादलों के साथ साथ अरबों सितारों और प्लैनेट्स के साथ फैली हुई है, मिल्की वे की तरह, जो अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक फेंट डॉट है। इनमें से ज़्यादातर गैलेक्सीज अपने सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को छुपाती हैं, और उनमें से कुछ इंटरेक्शन करने वाले ग्रेविटी के एक डायनेमिक कॉस्मिक डांस में एक साथ मर्ज भी कर रही हैं।
इस शानदार व्यू से आप देखेंगे कि यूनिवर्स सामान्य रूप से आबाद नहीं है। इसके बजाय घने क्लस्टर्स के बीच खाली स्थान देखे जा सकते हैं, जो एक शानदार कॉस्मिक वेब में एक साथ फंसे हुए हैं। ये देखने लायक यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा है। 13.8 अरब साल पुरानी कहानी का एक पन्ना हमारी आंखों के सामने फैला हुआ है। अच्छा, तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या हम यूनिवर्स के लिए एक किनारा खोज पाएंगे? इसका जवाब देने के लिए हमें अरबों लाइट ईयर्स पीछे की यात्रा करनी होगी, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। हमारे घर आने का कारण यह है कि जहाँ तक एस्ट्रोनॉमर्स बता सकते हैं, यूनिवर्स का कोई किनारा नहीं है। देखने लायक यूनिवर्स का केवल एक किनारा है, जो कि वह सब कुछ है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। एक अकल्पनीय रूप से बड़ा एरिया जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विस्तार वाले स्पेस में फैला है। हमने अभी अभी जो खोजा है उसे पृथ्वी से शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग करके देखा जा सकता है, क्योंकि हम उन वस्तुओं से प्रकाश देखने में सक्षम है। लेकिन प्रकाश की एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट होती है, और इसलिए देखने योग्य यूनिवर्स के किनारे से परे स्थान है, जहाँ प्रकाश को अभी हम तक पहुँचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। जब लाखों लाइट ईयर्स दूर एक दूर की गैलेक्सी देखी जाती है, तो आप वैसा ही देख रहे हैं जैसा कि वो लाखों साल पहले था, ना कि आज जैसा है। तो जितनी दूर आप देखते हैं, उतने ही पीछे के समय में आप देखने में सक्षम होते हैं, जब तक कि आपको वो शुरुआती लाइट नहीं मिल जाता है जो बिग बैंग के कुछ 1 लाख साल बाद हुआ था। हालांकि फिजिकल एज नहीं है, यह हमारे देखने योग्य यूनिवर्स का किनारा है। यह बिग बैंग के बाद की चमक है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। यह यूनिवर्स का सबसे दूर का पॉइंट है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स का कितना हिस्सा हमारे देखने योग्य यूनिवर्स है। ये बहुत बड़े एरिया का सिर्फ एक छोटा सा कण हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अभी जहां भी खड़े हैं, वहां स्पॉटलाइट केंद्रित है। आप अपनी स्पॉटलाइट का किनारा देख सकते हैं, लेकिन परे नहीं। ये जानना असंभव है कि हमारे कॉस्मिक स्पॉटलाइट के बाहर क्या है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वही है जो हम पहले से देख सकते हैं। फिजिक्स के सामान्य नियम के तहत चल रहा है, और अरबों अन्य सितारों, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स का प्रभुत्व है। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सभी दिशाओं में असीम रूप से जारी रह सकता है। हम सभी जानते हैं कि कई अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक रहस्य है जिसे हमें सुलझाना अभी बाकी है।